सरकार द्वारा संचालित बाल विकास परियोजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु भदोही जिले के सूर्याँ ब्लॉक के कीर्तिपुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का 14 साल पहले निर्माण हुआ था। नियमितता वहां उसी वक्त हैंडपम्प लग जाना चाहिए था, परंतु 14 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वहां हैंडपम्प न लगने से चंदा सहित 1000 के आबादी के लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके आंगनबाड़ी में क्या समस्या बा? सर यही परेशानी है कि यहाँ दर हैंड पाइप नहीं है, बच्चे आते हैं बहुत दूर दूर से, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, थोड़ा समय विकलांग हूँ और दूर दूर की महिला भी आती हैं, टीकाकरण यहाँ होता है, वो भी पानी पीना कहती हैं, पोषाहार धात्री गर्भवती महिला आती हैं, किशोरी आती हैं, वो लोग पानी पीना कहते हैं। हम लोग सबसे कहे लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कितना दूर पानी लेके आती हैं? पानी आधा किलोमीटर होगा सर यहाँ से आंगनबाड़ी से। इससे पहले कुछ प्रयास किया क्या हैंडपंप के लिए बनवाने के? बहुत जने से कहे सर, अर्चना सरोज थी उनसे हम लोग कहे कि यहाँ हैंडपाइप नहीं है कुलवा पांडेपुर में, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। अपने ऑफिस से हम वहाँ कहे अपने विभाग वाले से, वो भी नहीं कुछ व्यवस्था करवाई। पानी न रहने से खाना कहाँ बनता है? तब खाना यही बनता है, तब घर से लाती है बना कर। आपके आंगनबाड़ी में क्या समस्या है? हमारे आंगनबाड़ी में यही समस्या है सर कि हमारे यहाँ हैंडपाइप नहीं है, बच्चे के लिए बहुत परेशानी होती है, हार्ड फूड बनता है इधर, फिर उसके बाद कितना बार सहायिका जाएगी पानी लेने, फिर वहाँ से लेके आओ फिर खाना, फिर इधर पानी दूर से आता है, फिर लकड़ी ईंधन राशन पानी सब कुछ इतना दूर से लाना पड़ता है, कितना बार हम लोग जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, संडास कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, पानी नहीं है, कितना बार कितना कितना पानी हम लोग लाए। गाँव के आदमी बोलते तुम्हारे यहाँ हैंडपम्प नहीं है, बच्चे वहाँ पानी पीने मर जाते हैं। आंगनबाड़ी में समस्या? आंगनबाड़ी में समस्या यही बात कि नल नहीं बा, नल लगवाओ जरूरी बा, गदेला आवत हैं तो पानी से घर से आवे और समस्या जे आवत है आंगनबाड़ी जब रहे तब न मनाई को था रहे पानी सानी सुविधा रहे तब इन्हें इस गदेला अपन के उगावे नहीं देते। मैं चाहता हूं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र पर जल्द से जल्द हैंडपम्प लगवाया जाए जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि सूर्याँ ब्लॉक की वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 9454465125 पर दबाव डालकर आप हमारी मदद करें। मैं अनिल कुमार सरोज, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।